हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था व्युत्क्रम मैट्रिक्स एवं रैखिक समीकरण, है ना। चैप्टर नंबर फिफ्थ। अब चैप्टर नंबर फिफ्थ में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था उसको एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। चैप्टर अपना चल रहा था फिफ्थ वाला। चैप्टर फिफ्थ में अपना टॉपिक चल रहा था सखंड आवयोग ज्ञात करना। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सखंड आवयोग ज्ञात करना, आवयु ज्ञात करना, ये टॉपिक चल रहा था। अब इसके अंदर अपन ने पहली कंडीशन चेक कर ली थी, 2x2 ऑर्डर के लिए अपन ने सखंड आवयु ज्ञात कर लिया था, है ना। अब अपन चेक करेंगे 3x3 ऑर्डर के लिए सखंड आवयु ज्ञात करना। सपोज यहाँ पे कोई उदाहरण है, ए बराबर क्वेश्चन ही मान लो, ठीक है। क्वेश्चन ए इज इक्वल टू, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना लिखा हुआ है 1, 3, 4 और यहाँ पे 2-1, 6 और यहाँ पे 0, 1, 4। द्वितीय क्रम आवयु के लिए आपने ज्ञात कर लिया था सखंड आवयु, वो लेक्चर लास्ट वाले लेक्चर में था। और ये इसका क्रम कितना है, 3x3 ऑर्डर के लिए सखंड आवयु अपन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो पहला अवयव है इसका अपन इसका कोफैक्टर लिखेंगे, है ना, कोफैक्टर F11। और ये जो द्वितीय एलिमेंट है इसका कोफैक्टर मतलब सखंड। तीसरा जो अवयव है उसका कोफैक्टर है ना F13। ऐसे ही इस वाले अवयव का F21 और यहाँ पे कितना F22, यहाँ पे कितना हो जाएगा F23। ऐसे ही जो 4 है इसका सखंड कितना F31, इसको यहाँ तक बढ़ा लो F32 और F33, ठीक है। और इसका मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, तो अपने पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए का मतलब अपने पास सखंड आवयु आ जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए मतलब सखंड आवयु ए कितना, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि ये जो पहले वाली पंक्ति है वो पहले वाले हिस्से में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात कितना हो जाएगा, ये F11 हो जाएगा, ये F12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा F13 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा F21, यहाँ पर F22 और यहाँ पे F23, यहाँ पे F31, यहाँ पे F32, यहाँ पे F33, है ना। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, सखंड आवयु, है ना। ये भी तो एक आवयु है लेकिन इसे क्या बोलेंगे, सखंड, क्योंकि सभी अवयव का अपन क्या ज्ञात करते हैं, सखंड ज्ञात करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सखंड आवयु। इतना सभी बच्चों को समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला दिया हुआ है अपने को, ठीक है। ये कोई अपने को मैट्रिक्स दी हुई है, ये कोई आवयु दिया हुआ है, इसका अपने को सखंड आवयु ज्ञात करना है। अर्थात ये जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला जो अवयव 1, इसका मैं सखंड लिखूंगा। द्वितीय वाला जो एलिमेंट है इसका सखंड निकालूंगा, है ना। तीसरे वाले का सखंड निकालूंगा, सभी के सखंड निकाल के इसी के अंदर यहाँ पुट कर दूंगा, उसका मैं ट्रांसफर्स कर दूंगा। इसी तो बोलते थे सखंड आवयु। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन बोलो किसका अपन सखंड अवयव निकालें, तो अवयव फर्स्ट वाला अवयव, है ना। तो फर्स्ट वाले अवयव की पोजीशन क्या थी, A11 इज इक्वल टू 1 का सखंड, है ना। इसका मैं सखंड निकाल रहा हूँ। अब सखंड निकालने की क्या विधि मैंने बताई थी, सखंड देखो A11 जो है और इस वाली पोजीशन के ऊपर एलिमेंट क्या है 1, तो 1 का अपन सखंड निकाल रहे हैं, है ना। पहले वाले एलिमेंट का सखंड निकाल रहे हैं, तो बोलो F11 होगा कि नहीं होगा वो, है ना, बराबर सखंड। चूंकि ये पहले वाले अवयव जो है इसका अपन सखंड निकाल रहे हैं, तो जिसका अपन सखंड निकालते हैं वो वाला एलिमेंट, वो वाला अवयव किस वाली पंक्ति में आ रहा हो, किस वाले स्तंभ में आ रहा है, उस पंक्ति को हटाओ, उस वाले स्तंभ को हटा दो। चूंकि इसमें क्या है, ये कितने बाय कितने ऑर्डर की है मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की। तो सखंड निकालने की यही विधि होती है कि पहले वाला जो एलिमेंट है इसके संगत अपन क्या निकाल रहे हैं, सखंड निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो 1 है, जो पहले वाला एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का अपन, जिस अवयव, जो भी अवयव है उसका सखंड निकाल रहे हैं, तो वो वाला अवयव किस पंक्ति में आ रहा है, किस सिस्टम में आ रहा है, उसको हटा दें। तो सबसे पहले ये जो 1 एलिमेंट है इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इस वाले सिस्टम में आ रहा है, इन दोनों को अपन ने हटा दिया। तो हटा दिया तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा -1 बचेगा, 1 बचेगा, -1, 1, 6 और 4 बचेगा। चूँकि इसमें अपने को चिन्हों का भी विशेष रूप से ध्यान में देना आवश्यक है, चूँकि ये जो पहला एलिमेंट होता है, चूँकि 3x3 ऑर्डर के लिए जो चिन्ह चलते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस फॉर्मेट में चलते हैं,
है ना, क्योंकि जो पहला वाला अवयव होता है उसका पोजीशन क्या होती है, ए वन वन, है ना, ए वन वन, तो वन और वन का सम कितना हो रहा है, दो होता है ना, तो यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अपन सोल्व कर लें, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगी द्वितीय क्रम की सारणी, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 × -1 माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस आता ही है, 1 × 6 बोलो कितना आ जाएगा 6, तो बराबर कितना आया ये माइनस का 10, अर्थात एफ वन वन जो है, मतलब जो सहखंड आया है जो पहले अवयव का, वो कितना आया आपके पास माइनस का 10। इतना सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अब द्वितीय एलिमेंट का अपन सहखंड निकालेंगे, है ना, तो अवयव क्या लिखेंगे, अवयव द्वितीय एलिमेंट की पोजीशन क्या है, एफ वन टू बराबर टू सहखंड, ठीक है, तो ये एफ वन टू हो जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, एफ वन टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो द्वितीय वाला एलिमेंट आ रहा है, ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, कौन से सम में आ रहा है, उस वाली पंक्ति को हटाओ, उस वाले सम को हटाओ, है ना, तो उस वाली इस पंक्ति को हटा दिया, उस वाले सम को हटा दिया, तो क्या बचेगा, तीन बचेगा, वन बचेगा, फोर बचेगा, और यहाँ पे भी फोर बचेगा, यही बचेगा। अब चूंकि अपने को चिन्हों का विशिष्ट रूप से ध्यान में रखना है, अब यहाँ पे पोजीशन क्या है, वन टू है, तो वन टू का सम कितना होता है, विषम होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, है ना भाई, द्वितीय वाला एलिमेंट है, और यहाँ पे भी चिन्हों को अपन डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, देखो नेगेटिव आ रहा है, तो ये माइनस लगा दिया। अब ये तो एक सारणिक है, तो सारणिक को तो अपन सोल्व कर सकते हैं, बोलो सोल्व करेंगे, ये माइनस का तो माइनस है ही सही, चार को तीन से गुणा करें कितना आ जाएगा 12, है ना, ये तो ब्रैकेट लगा दो, 12 माइनस 1 × 4 बोलो कितना हो जाएगा 4, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखो कितना आएगा, 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अपन अवयव जो 0 है उसका सहखंड निकालेंगे, है ना, तो सभी बच्चे समझ जाओगे, यहाँ पे मैं डॉट डॉट कर दूँ ऐसे, क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पे, है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं एफ वन थ्री, एफ वन थ्री आप सब सभी बच्चे समझ जाओगे, एफ वन थ्री क्या है, ये तीसरा जो अवयव है उसका सहखंड है, जो तीसरा एलिमेंट है 0 उसका सहखंड है ये, है ना, और सहखंड कैसे निकालूँ, ये तीसरा वाला एलिमेंट है, इसका सहखंड कैसे निकालूंगा, 0 किस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को हटा दो, 0 किस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को हटा दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 3 - 1 - 4 और ये 6 ही बचेगा, है ना, क्योंकि चिन्हों का भी अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, तो एफ वन थ्री आ रहा है, तो 1 और 3 का सम कितना होता है, 4 होता है, 4 तो एक सम राशि है, सम का मतलब प्लस होता है, तो प्लस ही आ रहा है यहाँ पे, और चिन्ह भी अपन यहाँ से देख रहे हैं क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस ही आगे है यहाँ पे, है ना, तो इसको मैं सोल्व करके लिख दूँ कि बोलो कितना आ रहा है, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना, 6 × 3 = 18 माइनस तो फॉर्मूले का, और माइनस ये 4, है ना, तो सोल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 18 और ये माइनस माइनस प्लस 4 कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, लिख दूँ 22। ऐसे ही अपने पास जो तीसरा एलिमेंट ये वाला अवयव है जो 3 यहाँ पे आ रहा है, इसका भी मैं सहखंड लिखूँ, बोलो कितना लिखूँगा, एफ टू वन लिखूँगा आप, है ना, तो इसका सहखंड लिखूँगा तो बोलो नेगेटिव तो आएगा ही सही, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है वो नेगेटिव साइन लेता है, देखो नेगेटिव साइन ले लिया। अब जो 3 आ रहा है किस पंक्ति में आ रहा है, किस स्तंभ में आ रहा है, उसको अपन ने विलोपित कर दिया, तो बचेगा क्या अपने पास, अपने पास ये जो 3 है इस वाली पंक्ति में आ रहा है, द्वितीय वाली पंक्ति में आ रहा है, पहले वाले स्तंभ में आ रहा है, इन दोनों को अपन ने हटाया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, ये माइनस का माइनस। अब ये तो क्या है, एक सारणिक है, इसको सोल्व करें, 2 × 4 कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, ये माइनस का 0 आ जाएगा, है ना, तो कितना आया, 8 - 0 8 बचेगा, और 8 और ये माइनस का 8 बच जाएगा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे ही अपन जो ये माइनस वाला एलिमेंट है इसका अपन सहखंड निकालेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा, सहखंड एफ 2 2। तो ये थ्योरी आप लिख लोगे ना, समझ जाओगे सभी बच्चे, क्योंकि बार बार मैं थ्योरी लिखाऊँ तो भाई आप तो समझदार हो ही सही, है ना, लिख लेना इसको, ये थी ये वाली थ्योरी आप नोट कर लेना अच्छे से। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये -1 इसका अपन सहखंड लिख रहे हैं, है ना, तो सहखंड लिख रहे हैं तो सहखंड को किससे डिनोट करूँगा, एफ 2 2 से, है ना, क्योंकि 2 2 मतलब इस वाली पोजीशन वाले एलिमेंट जो है उसका सहखंड मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस का ही रहेगा, तो ये प्लस ही लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब ये वाला जो -1 है किस पंक्ति में आ रहा है, वो किस स्तंभ में आ रहा है, उसको अपन ने विलोपित कर दिया, द्वितीय पंक्ति में आ रहा है, द्वितीय स्तंभ में आ रहा है, इसको विलोपित किया तो क्या बचेगा, 1 0 और क्या बचेगा, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाओ,
इसको हटाया और इसको हटाया, 1 0 और 4 4 बचेगा, ठीक है 4 4। एक बार चेक कर लेना इसको, इस वाली पंक्ति को हटा दिया, द्वितीय पंक्ति को, द्वितीय वाले इस सम को, तो 1 0 4 सही है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दो कितना आ जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा है ना, 1 × 4 4 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना आया, ये 4 आ गया। ऐसे ही अपन किसको ज्ञात कर लें, F23 को भी ज्ञात कर लें, सॉरी F23 है ना, तो F23 तो इसकी पोजीशन क्या लेगा, ये नेगेटिव लेगा, क्योंकि 2 और 3 का सम कितना होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव सॉरी विषम होता है, विषम आता है तो अपन माइनस का चिन्ह लेते हैं ना, तो ये 1 के अकॉर्डिंग, ये वाला जो एलिमेंट है ना 1, इसका अपन सखंड लिख रहे हैं। तो बोलो ये वाला 1 किस वाली पंक्ति में आ रहा है, उस वाली पंक्ति को हटाओ, उस वाले सम को आप हटा दें, तो द्वितीय पंक्ति में आ रहा है ये 1 और तीसरे सम में आ रहा है ना, तो इसको हटाया, इसको हटाया, क्या बचेगा, 1 2 4 6, क्या बचेगा, 1 2 4 6। तो इसको कैलकुलेट करके लिख दो, ये माइनस तो है सही है ना, ब्रेक इट 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा है ना, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आउटपुट कितना आएगा, माइनस का 2, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 है ना। ऐसे ही एलिमेंट किसके लिए अपन लिखेंगे, F31। तो इसकी पोजीशन क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, ये 1 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 4, और 4 क्या होता है, एक सम, सम आता है तो प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह है ना, तो ये जो चौथा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट 4 है ना, इसका अपन सखंड लिख रहे हैं, तो ये वाला अवयव किस एलिमेंट में आ रहा है, पहले वाले एस एम में आ रहा है और तीसरे वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको हटाया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा और -1, और ये 1 बचेगा, ठीक है, तो ये प्लस का तो प्लस आ ही जाएगा, तो 2 1 × 2 माइनस का 0, बोलो कितना आया, 2 का 2। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलो जगह कम पड़ती है यहाँ पे है ना। ऐसे ही अपन किसको फाइंड करेंगे, F32 को, इसका पोजीशन क्या दे रहा है, ये नेगेटिव देगा, क्योंकि ये विषम आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव लगा दिया अपन ने, और ये 6 का अपने को सकंड लिखना है, तो 6 तीसरी वाली पंक्ति में आ रहा है और द्वितीय वाले सम में आ रहा है, तो इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, क्या बचेगा, 1 0 3 और 1, 1 0 ये 3 1, ठीक है, कैलकुलेट करके लिखो, ये माइनस तो है सही, 1 × 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बोलो ओवरऑल कितना आया, माइनस का 1। ऐसे ही F33 बोलो कितना आ जाएगा, इसकी पोजीशन पॉजिटिव देगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फोर्थ वाला एलिमेंट है ना, तो फोर्थ वाला एलिमेंट है, तो इस वाली पंक्ति को हटाओ और इस सम को हटा दो, तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा 1 2 3 -1, 1 2 3 -1, 1 2 3 -1 है ना, 1 2 3 और ये -1 बच गया, ठीक है, कैलकुलेट करके लिखें, बोलो ये प्लस तो है ही सही, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, माइनस का 7। अर्थात अपने पास से जितने भी सखंड आए, अब सभी सखंडों को किस में रख दें, अपन इसके अंदर पुट कर दें, ये वाले समीकरण के अंदर रख दें, उसका मैं क्या कर दूँ, ट्रांसपोज कर दूँ है ना, और ट्रांसपोज जैसे ही अपन उसको करेंगे, तो उससे जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसे क्या बोलेंगे, अपन सखंड अवयव बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ, जो पहला वाला अवयव आया था वो कितना आया था, माइनस का 10 आया था, तो ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये अपन ने कितना आया था, ये माइनस का 10 आया था, द्वितीय वाला एलिमेंट कितना आया था, सखंड कितना आया था, माइनस का 8, और तीसरा वाला कितना आया था, F13 22 आया था, ठीक है। ऐसे ही ये माइनस का 8 आया था, ये 4 आया था, और ये 2 आया था, ऐसे ही F31 कितना आया था, 2 आया था, F32 ये -1 आया था, और लास्ट वाला कितना आया था, माइनस का 7 आया था है ना, ये आया था। इसको अपने को किसकी फॉर्मेट में लिखना था, मैट्रिक्स की, तो ये अपन ने मिस्टेक कर दी, ये मैट्रिक्स लगानी है ना।
अब इसका मैं क्या कर दूँ, ट्रांसफर्स कर दूँ, मतलब जो पहली पंक्ति थी उसको पहले वाले हिस्से में परिवर्तित कर दूँ, है ना। तो ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 8 और ये 22, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 ये 4 और ये 2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 और ये माइनस का 7। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, साखंड आव्यूह। जो अपने को आव्यूह ए दी हुई थी ना, देखो ए आपको ये दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, इसका साखंड आव्यूह कितना हो जाएगा, इसका साखंड आव्यूह ये अभी अपन ने जो फाइंड किया है ना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, साखंड बोलते हैं। साखंड आव्यूह अपने ज्ञात कर लिया। इसका भी ऑर्डर कितना, ये भी 3/3 ऑर्डर का होगा। तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया, साखंड आव्यूह अपन कैसे ज्ञात करते हैं। 2/2 ऑर्डर के लिए भी साखंड आव्यूह इसी विधि के माध्यम से ज्ञात करते हैं। और 2/2 ऑर्डर के लिए अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन डायरेक्टली साखंड आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं 2/2 ऑर्डर के लिए। लेकिन 3/3 ऑर्डर के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, उसको अपने को इसी मेथड के माध्यम से सोल्व करना जरूरी है, ठीक है। इतना सभी बच्चों को समझ में आया। अब जो अपना अगला टॉपिक चल रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है व्युत्क्रम आव्यूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और इस टॉपिक के ऊपर से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फाइनल पेपर के अंदर, है ना। तो इम्पोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो आव्यूह को तो मैट्रिक्स बोलते हैं, व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका मैं आपको डायरेक्टली अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके कुछ गुणधर्म भी हैं और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है, है ना। जब अपनी ऑफलाइन क्लास चलेगी उस समय मैं आपको समझाऊंगा कि इसका डेरिवेशन क्या है, लेकिन आपको बस फॉर्मूले से मतलब है अभी, तो आपको बस केवल और केवल फॉर्मूला ध्यान में रखना है ना। ये आया कैसे ये आपको मैं डिस्कशन जब अपनी ऑफलाइन क्लास होगी उस समय मैं आपको बता दूंगा, है ना। और इसके कुछ गुणधर्म भी हैं, तो वो गुणधर्म भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना। तो सबसे पहले जो भी अपने को मैट्रिक्स दी हुई है उसका अपने को व्युत्क्रम ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं, यदि सपोज मैंने आव्यूह ए मानी है ना, मैट्रिक्स क्या मानी, ए, यदि ए एक वर्गाकार आव्यूह हो तो, अब आव्यूह ए क्या है, एक वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब 1/1 क्रम की भी हो सकती है, 2/2 क्रम की भी हो सकती है, 3/3 क्रम की भी हो सकती है, 4/4 क्रम की भी हो सकती है ना, एक वर्गाकार आव्यूह। अब इसका अपने को व्युत्क्रम ज्ञात करना है ना, हो तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। यदि कोई मैट्रिक्स अपने पास वर्गाकार ऑर्डर की है उसका व्युत्क्रम आव्यूह को अपन किससे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से। ए माना है तो ए इनवर्स, बी मानोगे तो बी इनवर्स, ठीक है। अब ये ए इनवर्स अपन कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। अपने टॉपिक ही तो क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, अर्थात आपको किसको ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है ना। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, है ना, व्युत्क्रम आव्यूह इज इक्वल टू एडजॉइंट, मतलब साखंड आव्यूह ए अपॉन सारणिक ए, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, है ना। अब ये क्या है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट तो मैंने आपको समझाया था अभी, जस्ट समझाया है, है ना। साखंड आव्यूह, साखंड आव्यूह आप सभी को आता है, अभी अपन ने फाइंड किया था, है ना भाई, इसमें अभी अपन ने फाइंड किया ना, एडजॉइंट ए फाइंड किया भाई। 3/3 ऑर्डर के लिए कोई मैट्रिक्स अपने को दी हुई है, इसका अपन ने क्या फाइंड किया, साखंड आव्यूह यहाँ पे फाइंड किया, है ना। सो यदि आपको क्वेश्चन में वर्गाकार आव्यूह 3/3 ऑर्डर की दी हुई है तो आपको ए इनवर्स निकालना जरूरी होगा, और ए इनवर्स और पूछ लिया व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करो, है ना। कोई अपने को वर्गाकार आव्यूह 3/3 ऑर्डर की दे दी और अपने से व्युत्क्रम आव्यूह पूछ लिया,
सो एडजोइंट ए निकालना जरूरी है, मतलब ये पूरी प्रोसेसिंग करनी जरूरी है ना, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सो एडजोइंट ए अपन फाइंड कर लेंगे, और ए कैसे ज्ञात करेंगे, सारणिक ए का मान ए है ना, और सारणिक ए का मान अपने को आता ही है ज्ञात करना। तो सभी बच्चों को आया कि नहीं आया समझ में, तो ये वाला फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट कर लेना। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ है ना, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ना अपन तो दिक्कत नहीं आएगी अपने को। एक कोई छोटा सा क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, यहाँ अपन ने लिया टू ले लिया, यहाँ पे फाइव ले लो, यहाँ पे वन ले लो, यहाँ पे थ्री ले लो। देखो ये टू बाई टू ऑर्डर की क्या है, एक आव्यूह है कि नहीं है। अच्छा आव्यूह को आपको नोटेशन समझ में आता है ना, एक देखो ये आयताकार रूप में बंधी हुई है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है अपने को, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करो। व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया आपको, व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब ए इनवर्स होता है ना, तो अपने को तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। सभी बच्चों को आया समझ में, चलो इतना सभी को आ गया समझ में, अपने को ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब ए इनवर्स ज्ञात करना है तो ए इनवर्स का तो फॉर्मूला ये होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, सबको समझ में आ रही है। तो अब इस फॉर्मूले में अपनी कोशिश क्या है, एडजोइंट ए की वैल्यू मैं पुट कर दूं और उस सारणिक का मान पुट कर दूं और दोनों का क्या कर दूं, मैं भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो अपने पास किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, व्युत्क्रम आव्यूह की वैल्यू प्राप्त होगी कि नहीं होगी। सो आपकी कोशिश क्या है, आपकी कोशिश है अभी अंश भी ज्ञात करना है आपको है ना, और हर के बटे में जो आ रहा है सारणिक के ये भी आपको ज्ञात करना है, दोनों आपको ज्ञात करना है और दोनों का डिवाइड कर देना है ना। अब सबसे पहले अपन किसको ज्ञात कर लें, एडजोइंट ए को ही ज्ञात कर लें जो अंश में आ रहा है। चलो एडजोइंट ए ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यदि टू बाय टू ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि टू बाय टू ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडजोइंट ए अर्थात सहखंड आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी टू बाय टू ऑर्डर के लिए, बताई थी ना ट्रिक, तो वो ट्रिक अपन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नंबर के नहीं आते हैं ना, तो अपन ने डायरेक्टली कर दिया एडजोइंट ए इज इक्वल टू। क्या ट्रिक बताई थी, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं इसका एडजोइंट मेरे को ज्ञात करना है, जो अपने को मैट्रिक्स दी हुई है इसका अपने को एडजोइंट ज्ञात करना है, सहखंड आव्यूह ज्ञात करना है। तो टू बाय टू ऑर्डर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी है ना लास्ट वाले लेक्चर में। सो बोलो क्या ट्रिक लिखवाई थी, इसका सहखंड आव्यूह लिखना है तो जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं इनकी पोजिशन चेंज कर दें, मतलब टू की जगह मैं फाइव को पुट कर दूँ और फाइव की जगह मैं टू को पुट कर दूँ, और जो द्वितीयक विकर्ण हैं है ना इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके चिन्ह अपन चेंज कर दें, तो वन की जगह ये माइनस का वन कर दो और थ्री की जगह माइनस का थ्री कर दो, तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे टू बाय टू ऑर्डर की क्या हो जाएगी सखंड आव्यूह एडजोइंट ए बोलेंगे। सो अपने पास एडजोइंट ए की तो एडजोइंट ए आ चुका है, इसको क्या बोल दूँ समीकरण एक बोल दूँ, तो अंश की वैल्यू अपने पास आ चुकी है ना, अंश फॉर्मेट आ चुका है अपने पास। अब देखो हर के अंदर क्या है सारणिक ए, इसे क्या बोलते हैं सारणिक ज्ञात करना, अर्थात अपने पास ये जो ए दिया हुआ था, ये जो ए दिया हुआ था ना, चलो इसको मैं समीकरण एक बोल देता हूँ, इसको मैं समीकरण दो बोल देता हूँ। तो समीकरण एक से है ना, समीकरण ये वाली जो एक है ना, ये वाली समीकरण, ये वाली ए, इसमें दोनों पक्षों में मैं दोनों डंडी लगा दूंगा। देखो सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो सारणिक कैसे ज्ञात करोगे, दो डंडी लगा दो यहाँ पर भी और यहाँ पे भी दो डंडे लगा दो, तो ये टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब ये टू बाई टू ऑर्डर की क्या है सारणिक, और सारणिक का तो मान ज्ञात किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई करें टू को फाइव से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ रहा है टेन आ रहा है, माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, बोलो थ्री आ रहा है, तो टेन में से थ्री को माइनस करो, बोलो सेवन आया कि नहीं आया। इसको समीकरण नंबर कितना दे दूँ मैं, तीन नंबर दे दूँ। अब देखो अपने को ए इनवर्स ज्ञात करना था, और ए इनवर्स का फॉर्मूला देखो क्या था, एडजोइंट ए में यदि मैं सारणिक ए का डिवाइड कर दूं, तो एडजोइंट ए आपके पास समीकरण नंबर दो में है और सारणिक ए आपके पास समीकरण नंबर तीन में है, तो दो का भाग किस में दे दूं है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं समीकरण दो में किसका डिवाइड कर दूं मैं, समीकरण तीन का, समीकरण तीन करूं है ना, तो अपने पास ए इनवर्स ज्ञात होगा कि नहीं होगा। तो समीकरण दो क्या थी अपने पास, समीकरण दो में तो ये था
भाई ए इनवर्स डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, क्या है एडजॉइंट ए अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर आपन इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, वन अपॉन ए इनवर्स इंटू, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ए डी जे ए, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको अपन, यस लिखा जा सकता है। तो वन अपॉन सारणिक ए, और सारणिक ए का मान कितना था, वन अपॉन सेवन था, तो ये वन अपॉन सेवन आ गया, ठीक है। और ये एडजॉइंट क्या था, ये तो एक मैट्रिक्स रूप में था, कितना था, पाँच माइनस का तीन माइनस का एक और ये दो, इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया इतना। अब देखो तो ये ए इनवर्स आपके पास आ चुका है ना, ए इनवर्स आपके पास आ चुका है, कितना, यही आपका आंसर है, इसे क्या बोलेंगे अपन, व्युत्क्रम आव्यूह। अब आपकी इच्छा है तो वन अपॉन सेवन को यहीं पे रहने दो, नहीं तो यदि आप इस पूरे को सारणी मैट्रिक्स के अंदर लेना चाहते हो तो ये वन अपॉन सेवन सभी अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो या करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन सेवन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो कितना जाएगा, फाइव अपॉन सेवन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन सेवन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री अपॉन सेवन, और ये कितना हो जाएगा, टू अपॉन सेवन, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है ना। तो सभी बच्चों को आया समझ में कि ए इनवर्स अपन कैसे ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल ये टू बाय टू ऑर्डर का अपन ने ये कोई उदाहरण लिया था, अब थ्री बाय थ्री ऑर्डर का भी अपन उदाहरण ले लेंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस है, एडजॉइंट ए आपको ज्ञात करना है और उसमें किसका भाग देना है, सारणिक का भाग देना है ना। अच्छा इसमें एक और चीज़ आप नोट कर लेना, ये जो आपने व्युत्क्रम आव्यूह लिखी है यहाँ पे ये जो सारणिक ए है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी संख्या में यदि अपन जीरो का डिवाइड करते हैं तो अपने पास अनंत मान आता है ना, सबको मालूम है। सो ये जो सारणिक ए है ना इसका मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो जहाँ सारणिक ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो जीरो का डिवाइड करोगे एडजॉइंट ए में तो ये पूरा ही अनंत बना देगा, और अनंत मतलब कुछ होता ही नहीं है, है ना, तो ए इनवर्स ज्ञात भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, कहीं सारणिक ए कहीं जीरो तो नहीं है, तो किसी भी प्रश्न में सबसे पहले अपन किसको ज्ञात करेंगे, अपन उसकी सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, सबको समझ में आया। जैसे अपन ने यहाँ पे एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया ना, तो अब अगले से जैसे ही अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे ना तो उसमें अपन सारणिक का मान पहले ज्ञात करेंगे, मान लो सारणिक का मान यहाँ पे जीरो आ जाता, तो जीरो आ जाता तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलता कि व्युत्क्रम आव्यूह विद्यमान ही नहीं है, क्योंकि बटे में जीरो का मतलब ये पूरा अनंत बन जाता और अनंत का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो उस समय अपन ए इनवर्स भी ज्ञात नहीं कर सकते थे, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, कहीं सारणिक ए का मान जो हर में आ रहा है वो कहीं जीरो तो नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप नोट कर लेना, ये वाली कंडीशन भी। अब आपका होमवर्क क्या है, इसके जो एग्ज़ाम्पल है ना तो एग्ज़ाम्पल आप अच्छे से सोल्व कर लेना, क्योंकि जितना मैंने अभी आपको बता दिया, सखंड ज्ञात करना, आपको मैंने व्युत्क्रम आव्यूह भी ज्ञात करना बता दिया है ना, तो उसके माध्यम से आप एक्सरसाइज 5.2 से संबंधित, सॉरी 5.1 के बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व करवा दूं, इसी से संबंधित है और ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कोस कोस साइन माइनस साइन, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है ना, ये भी कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे माइनस का साइन थीटा है, तो वो द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स है कि नहीं है, और इसमें आपसे पूछ लिया हो तो ए इनवर्स ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है आपने को, ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम आव्यूह आपको ज्ञात करनी है, तो सोल्व करें अपन। चलो तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला तो लिख दूं, तो ए इनवर्स मैं जानता हूं कितना होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, यही होता है। तो सबसे पहले आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, जहां
सारणिक ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर हो जाता है तो ए इनवर्स ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है समीकरण एक के अंदर, इसकी मैं सारणिक का मान निकाल लूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो समीकरण एक है ना, यहाँ से मैं सारणिक का मान निकालूंगा। तो सारणिक करूँगा तो ये दो डंडे लगा दो यहाँ पे भी, और ये क्या कर दो, कोश थीटा कर दो, यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा कर दो, यहाँ पे साइन थीटा रख दो और यहाँ पे कोश थीटा रख दो। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँ मैं, तो सोल्व करूँगा तो ये कोश थीटा इंटू कोश थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, माइनस तो आता ही है फॉर्मूले का। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का बोलो, है ना, ये माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो अपन, है ना। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और ये तो एक सर्वसमिका होती है, सभी बच्चों को याद है क्या होती है, इसका मान कितना होता है, इकाई आता है, कितना आता है, वन आता है। तो ये वन मैंने लिख दिया, ठीक है। अर्थात जो हर में वैल्यू आ रही है ये वाली बटे में, वो जीरो तो नहीं है, वो तो वन है, अर्थात अपन ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब अपनी कोशिश क्या है, एडजोइंट ए ज्ञात करना। तो अब मैं एडजोइंट ए ज्ञात कर लूँ, देखो द्वितीय क्रम की क्या है मैट्रिक्स से, तो एडजोइंट ए अपन डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली कैसे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उन दोनों की पोजिशन चेंज कर दें, तो कोस की जगह ये वाला कोस, है ना, तो बात तो वही है, कोस थीटा ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही एलिमेंट है। और जो द्वितीयक विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं ना, उनके चिन्ह चेंज करने हैं, तो ये प्लस का साइन थीटा है तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, है ना, और ये माइनस का साइन थीटा है तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। तो ये द्वितीय क्रम की क्या हो जाएगा, एडजोइंट ए हो जाएगा, ठीक है। अब एडजोइंट ए में किसका डिवाइड करना है, सारणिक ए का, वन का डिवाइड करना है, इसलिए मैं क्या करूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूँ एडजोइंट ए, है ना। तो ए इनवर्स इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन ए, और ये एडजोइंट ए, ये भी तो फॉर्मूला है। तो एडजोइंट ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजोइंट ए ही आएगा, वही फॉर्मूला मैंने इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही, है ना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन सारणिक ए कितना आया था अपने पास, वन आया था, है ना, एयर इंटू एडजोइंट ए बोलो कितना आया था आपके पास, ये दिया हुआ है कोश थीटा माइनस का साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कोश थीटा, बोलो वन अपॉन वन करेंगे तो वन ही प्राप्त होगा। इसलिए आप देखो ये इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आपके पास फाइनल आया, देखो वन में वन का डिवाइड करोगे तो वन ही आएगा, और वन को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन ही तो आएगा। तो आंसर आपके पास ये प्राप्त हुआ। सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब आपका होमवर्क क्या है कि एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, है ना। चलो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है।